आपकी हकीकत क्या है वो तो मैं आपको बार बार बताऊंगा, भी खोद खोद के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने फर्जी ट्वीट है इमरान खान के जो साबित हो चुके हैं, जिनको उनको डिलीट करना पड़ा। पर मुझे बताइए, इस पाकिस्तान की औकात क्या है? चाइना की कॉलोनी के अलावा क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान की औकात तो वो है जो आपके शो में अभी आप खुद बता रहे हैं कि आपकी हालत खराब हुई हुई है, कि पाकिस्तान आपको बहुत टफ टाइम दे रहा है और इसलिए आप बहुत सख्त परेशान है पाकिस्तान से। अगर कैसे आप टफ टाइम दे रहा है आज काल में, ये भी बता दीजिए। तो ये डिबेट ना हो रही होती, सारी अरे डिबेट ये ना हो रही बताइए, होती अगर अगर पाकिस्तान टफ टाइम ना दे रहा होता। हम कमजोर लोगों को डिस्कस नहीं करते, हम हमेशा मजबूत लोगों को डिस्कस करते हैं। सर मैं तो क्या है, आप वो कपिल शर्मा शो देखती होगी, तो मैंने सोचा कि देश की बहस में आज कॉमेडी हो जाए इमरान खान की नाम की, और एक एक करके दिखाऊंगा आरजू। इस बात पे आपकी भी मुस्कुराएंगी कि आपके वजीर आजम का जो ऊपर का माला है, जिसको दिमाग कहते हैं, वो खाली है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। ये तो आपका अपना कमजोरी है जो आप बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो क्यों आता है पता है आरजू आपको? पता है पाकिस्तान का जिक्र हमारे यहाँ क्यों आता है? पाकिस्तान को कोई डर नहीं है, आप लोगों को बाजवा से भी डर है, आप लोगों को इमरान खान से भी डर है। पर आप सुन तो लीजिए, पाकिस्तान का जिक्र हम क्यों करते हैं? कॉमेडी आइटम के तौर पर। कोई भी अच्छी फिल्म बनती है ना, उसमें एक वैम्प होता है, एक कॉमेडी आइटम होता है। हमारे लिए पाकिस्तान कॉमेडी आइटम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं सर, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उस डर को कॉमेडी कह के छुपाना चाह रहे हैं तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ आपको, लेकिन आपका डर आपके लहजे से, आपका डर आपके वर्ड से, आपके पैनलिस्ट से सबसे साफ पता चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर का माला खाली है इमरान खान का। आइए देखते हैं इमरान खान का पहला ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बारे में। आइए देखिए इमरान खान ने क्या कहा, दिखाइए वो ट्वीट इमरान खान का। तो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ने ढाका के एक वीडियो को शेयर किया और उसके बाद कहा कि ये CAA पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद फाइनली उनको उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। भाई इतने काबिल आपके प्रधानमंत्री हैं कि अपने खुद के ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज फैलाते हैं, बताइए आरजू काजमी क्यों? सर फेक न्यूज नहीं होती, ये एक तरह से बाद दफा गलत चीज। अरे ढाका का वीडियो उत्तर प्रदेश से क्यों जोड़ा भाई, बताइए ना। डिफेंस एनालिस्ट फैक्ट फाइंडिंग में निकल गया, ढाका का वीडियो इमरान खान, इमरान की कोई टीम नहीं है क्या? कर देते हैं ट्वीट्स को, ये तो कोई खास बात नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत चला गया तो। अरे एक देश के प्रधानमंत्री है, जिम्मेदारी नहीं होती क्या कोई कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे? ढाका को लखनऊ बता देंगे और लखनऊ को ढाका? आप लोग टीवी चैनल्स में बैठ के आप और आपके जैसे दूसरे जो आपके जर्नलिस्ट और एंकर्स हैं वो झूठी खबरें चला रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में, तब आप नहीं सोचते कि आप फेक न्यूज चला रहे हैं? तब आप नहीं डबल चेक करते? देखिए हम झूठी खबरें चलाते हैं और पाकिस्तान के लोगों को बिठा के बोलते हैं। हम झूठी खबरें भी चला और पाकिस्तान के लोगों को बुला के बोलने का मौका भी दे, आधी चीजें तो आरजू काजमी खुद आप मुझसे एग्री करती हैं। मैंने तो आपको इलाहाबाद की सिविल लाइंस में घर खरीदने का भी ऑफर दे दिया है कि छोड़ दीजिए, आ जाइए अपनी धरती पर वापस। सर डिग्री भी वो क्या कहते हैं उसको, पकड़ी थे जो भिजवा दे सर, वो पेपर्स भिजवा दे आती हूँ मैं जरूर, पेपर्स तो भिजवाए पहले मुझे। ना पेपर्स मैं भिजवा दूंगा, आपको कहना पड़ेगा ना, आपको कहना पड़ेगा कि आपका मुल्क का जो वजीर आजम है उसका ऊपर का माला खाली है। ऊपर का माला मतलब दिमाग। और देखिए आप खुद भारत आने को राजी हैं, आप जानती है कि आपकी देश की हकीकत क्या है? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ घर लेने को तैयार हूँ, घर में पूरी दुनिया में जो मुझे देगा मैं ले लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। पर रहना आपको भारत में पड़ेगा? नहीं सर, रेंट में उठा दूंगी, मेरे पास 100 ID है, बेफिक्र हो जाइए। 100 ID मतलब आप भी फेक काम करती हैं? 100 ID झूठी बना के रखी आपने, आप भी आज भी फेक काम करती हैं? सर वो घर आप मुझे देंगे, मेरी मर्जी में जो करूंगा उसको रेंट पर उठा। चलिए मैं दे दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा आतंकवादी नहीं बिठा देंगे। मालूम पड़ा मुझे हाफिज सईद को आपने इलाहाबाद के घर में छिपा दिया आरजू काजमी ने, सिविल लाइंस वाले घर में, जो मैं उनको गिफ्ट के तौर पे दूंगा। कभी नहीं सर, इतना तो आप मुझे जानते ही हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं जर्नलिस्ट और किसी जर्नलिस्ट को बिठाऊंगी।